गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। लास्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को डिस्कस कर रहे थे। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो ऐसी मसल्स हैं जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड होंगी, और बोन्स के साथ ये मसल एक टिश्यू जिसको हम टेंडन बोलते हैं उसकी हेल्प से कनेक्ट होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल है जो, उसका हमने क्या किया था, एक क्रॉस सेक्शन लिया था। क्रॉस सेक्शन के बाद हमने देखा कि जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर हमें बहुत सारे बंडल्स मिलते हैं। ठीक है, और इन बंडल्स को हमने क्या बोल दिया था, फेसिकल्स। अब जो एक मसल बंडल था उसमें क्या पाया कि बहुत सारी मसल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मसल। मसल का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो मसल के बंडल्स दिखाई देंगे, और हर एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारी मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मसल सेल है जो, उसको हम मायोफाइबर भी बोल सकते हैं। एक मसल सेल की स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी, ये सिलेंड्रिकल सी स्ट्रक्चर होगी, इसे फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, आज हम इस मसल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, मायोफाइबर और मसल सेल की बात कर रहे हैं। ये मसल सेल्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट थी, मसल बंडल के इनसाइड प्रेजेंट थी। सो स्टार्ट करते हैं मसल सेल की स्ट्रक्चर। अब ये एक मसल सेल को ड्रॉ किया गया आपके सामने, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब मसल सेल है जो, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी होगा, और हर एक सेल के इनसाइड एक लिक्विड मिलता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बट मसल के केस में ये टर्म्स थोड़ी डिफरेंट रहेंगी। जो मसल सेल है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा। ओके, सो सार्कोलीमा इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। फिर सार्कोप्लाज्म एक टर्म है जो कि क्या है, साइटोप्लाज्म है, किसका, मसल सेल का। याद रखेंगे, जब कभी भी मसल सेल के साइटोप्लाज्म की बात की जाएगी तो उसके लिए हमने एक टर्म दी है सार्कोप्लाज्म, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए टर्म दी गई है सार्कोलीमा। ठीक है, अब ये जो लिक्विड कंटेंट है जिसको हम साइटोप्लाज्म और हम सार्कोप्लाज्म बोल रहे हैं, जो कि सेल के इनसाइड होता है, उसके अंदर बहुत सारे ग्लाइकोजन प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, हमें पता है जो एनिमल सेल है वो ग्लूकोज को स्टोर करती है, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, जैसे प्लांट्स में जो है वो ग्लूकोज को कैसे स्टोर किया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर किया जाएगा। अब ये जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर हाउस है किसका, ग्लूकोज का। सो ये हमें क्या दे सकता है, एटीपी प्रोवाइड कर सकता है। ओके, अब जो हमारी मसल सेल है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नहीं है, ऐसे प्रॉपर लाइनिंग नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको, ये एक मसल सेल है। इस मसल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, स्मूथ नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ, ये आपको ये टी शेप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, पूरे के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या है, टी शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, इनको हम क्या बोलेंगे, टी टिब्यूल्स। ठीक है, मसल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होता, वहां पे ट्यूब जैसे सी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको हमने क्या बोल दिया, टी टिब्यूल बोल दिया। ठीक है, अब जो नॉर्मल कोई भी सेल होती है उसके इनसाइड क्या मिलता है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है ना, ये ऑर्गेनेलीज होती है। सो मसल सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोजोम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा मसल सेल का, उसको हम क्या बोल देंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से सुनेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। और ये क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, क्या कर रहा है, कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखेगा। अब इन कैल्शियम आयंस का यूज क्या है, जब हम मसल कॉन्ट्रेक्शन को पढ़ेंगे उसका जो मैकेनिज्म है उस टाइम पे हमें इस कैल्शियम आयंस का रोल पता चलेगा।
ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना रिमेम्बर रखें कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल का, वो क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है कैल्शियम आयंस को। सार्कोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म था, मतलब कि लिक्विड कंटेंट था मसल सेल का, ये क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है ग्लाइकोजन को। ओके, ठीक है। अब जो हमारी मसल सेल है वो हमारे जो लीवर का भी हमें पता है कि वो ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है ना, तो हमारी मसल सेल मोर ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकती है एज कंपेयर टू लीवर। मसल सेल क्या है, ऑक्सीजन को भी स्टोर करके रखेगी अपने इनसाइड। देखो, जब भी हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले और जो भी ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ताकि हमें एटीपी मिल पाए, है ना। सो मसल्स क्या करती हैं ऐसी कंडीशंस के लिए, जब भी कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो एकदम से मसल में पेन नहीं होगा, क्रैम्प नहीं पड़ेंगे, तो उस केस में मसल क्या करती है, थोड़ी सी ऑक्सीजन को भी स्टोर करके रखती है। अब ये मसल सेल है जो, जिसको हम मायोफाइबर बोलते हैं, ये ऑक्सीजन को कहाँ स्टोर करके रखेगी, मसल्स के अंदर एक रेड पिगमेंट मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के पास, सेम ऐसे ही मसल सेल के पास एक पिगमेंट मिलता है मायोग्लोबिन, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ अटैच्ड रहती है। जैसे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, सेम ऐसे ही मसल सेल में ऑक्सीजन मायोग्लोबिन जो कि एक रेड पिगमेंट है उसके साथ अटैच होती है। ओके, सो अब ये जो एक मसल सेल है, इस मसल सेल में भी आपको ये फिलामेंट शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। इस फिलामेंट शेप स्ट्रक्चर को जो कि एक मसल सेल में प्रेजेंट होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। कंफ्यूज नहीं करेंगे मायोफाइबर को मायोफाइब्रिल से, मायोफाइबर टर्म हम यूज कर रहे हैं मसल सेल के लिए, जबकि मायोफाइब्रिल क्या है, एक मसल सेल के अंदर जो स्मॉलर सी स्ट्रक्चर ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं हमें वो है। ओके, सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमारे पास कोई मसल थी, उस मसल के इनसाइड हमने क्या किया, उसको कट करके देखा तो उसके अंदर ग्रुप ऑफ मसल बंडल्स प्रेजेंट थे। सो ये मसल का क्रॉस सेक्शन लिया जिसके अंदर ये बंडल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इन बंडल्स को हमने क्या बोल दिया था, फेसिकल, और यू कैन से मसल बंडल। फिर हम इस मसल बंडल के इनसाइड जब देख रहे हैं तो हमें ये और राउंड राउंड से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जब इनको खींच के बाहर निकाल रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये भी फिलामेंट शेप स्ट्रक्चर है। बंडल के इनसाइड कुछ फिलामेंट जैसी सी स्ट्रक्चर थी, उनको हमने क्या बोल दिया, मसल फाइबर और मसल सेल। अब इस एक मसल सेल को बाहर निकाल के जब हमने देखा तो उस मसल सेल के इनसाइड भी बहुत सारे फिलामेंट्स दिखाई दिए जिनको हमने क्या बोल दिया, मायोफाइब्रिल। ठीक है, सो मसल के इनसाइड मसल के बंडल्स प्रेजेंट थे, मसल बंडल के इनसाइड क्या है, मसल सेल, और एक जो मसल सेल है उसके इनसाइड क्या है, और फिलामेंट शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है।